हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारी चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। दोस्तों, बिहार में लेखापाल और तकनीकी सहायक के लिए 4192 पदों की जो वैकेंसी आई थी, जिसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है, बहुत से स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है, उससे संबंधित कुछ नोटिफिकेशन आया है। तो आइए मैं आपको उससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपका बता दूँ कि कब इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यहाँ देखिए, आज के पेपर में जो आया था उसके बारे में आपको बता दूं। दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये है कि दुर्गा पूजा जो अभी आ गया है उसके लिए कुछ टाइम ले लिया है। दुर्गा पूजा के बाद जिलों को भेज दी जाएगी अभ्यर्थी की सूची। मेघा सूची में 50 की सदी यानी कि 50% अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना वैकेंसी दिया है उससे 50% ज़्यादा मेरिट पब्लिश किया जाएगा। आइए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या दिया है आज के नोटिफिकेशन में। तकनीकी सहायक को 27,000 मानदेय होगा, ये तो पहले आप लोग जानते ही होंगे। और आईटी सहायक के 20,000 प्रतिमा मानदेय मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कुल रिक्त पदों की 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को डिप्लोमा आधारित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको 40% जो है, जो बिहार के स्टूडेंट है जो सरकारी पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है, उनको 40% अधीन के में रखा गया है। उसके बाद जो 60% है वो अदर से लिया गया है। तो आइए मैं और भी नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, पंचायती राज विभाग अधीन संविदा पर होने वाली लेखापाल व सह आईटी सहायक तकनीशियन सहायकों की नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थी का चयन नवंबर में कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नवंबर में इसका चयन फिक्स कर दिया गया है, नवंबर में होगा। बिकॉज अभी दुर्गा पूजा के चलते ये पोस्टपोन है, क्योंकि अभी सभी सरकारी कर्मचारी छुट्टी पे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस पर चैनल पर जो भी बिहार में न्यू वैकेंसी आती है, नया कोई भी नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो आपसे गुजारिश करूँगा दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। बिहार से कोई भी नोटिफिकेशन, न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले लेकर आता हूँ दोस्तों। आइए और भी जानकारी मैं आपको बता दूँ इस पे। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को इस पे एतराज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फेक फॉर्म आया हुआ है, बहुत झूठ फूस का कुछ से कुछ डाल दिया गया, जो कि बहुत से स्टूडेंटों को मैं पूछा हूँ। और यहाँ पे जो मैं पटना भी गया था ऑफिस में, वहाँ पे भी मैं ये बात रखा हूँ, तो बोला कि इसका हम लोगों का कोई नहीं है, ये जो है ऑफिस का अपना मैटर है वो किस तरह से। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो ज़रूर हमें कॉमेंट करें, ताकि आप लोगों की सहायता के लिए मैं भी कुछ कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं भी देखा हूँ कि बहुत फेक फॉर्म दिया हुआ है, मार्क कुछ से कुछ डाला गया है, कोई स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अदर स्टेट से भी बहुत कुछ है। तो पहले तो स्टेट के स्टूडेंटों को लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, 2096 अर्थात 4192 पद पर नियुक्ति होगी। 2096 पद है दोस्तों, आईटी सहायक का और लेखापाल का, दोनों का 2096, टोटल मिलाकर 4192 पोस्ट है। ठीक है, जो इसका मेरिट जो है दोस्तों 50% ज़्यादा बनेगा। अभी जिला को भेजा नहीं है, दुर्गा पूजा के बाद सभी जिलों को भेज देगा, उसके बाद इसका मेरिट बनेगा। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं दिया है, बस पहले की जैसा नोटिफिकेशन दे दिया है, बस इतना इसमें समझाया गया है कि दुर्गा पूजा को लेकर यह अभी बाधित है, दुर्गा पूजा के बाद ही इस पर कोई कार्यवाही होगी। तो ये इस जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन है लेखापाल और सहायक तकनीकी सहायक के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई क्वेरी हो इस जॉब से संबंधित, जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जो आपको मिले और हमें भी आपसे सपोर्ट मिले। आपको जो भी क्वेरी है हमसे पूछ सकते हैं, ताकि आपको हम हेल्प करें और हमें भी आपसे हेल्प मदद मिले। तो ये भी बस कुछ भी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप वीडियो पॉज करके ले लीजिए, अच्छी तरीके से ये न्यूज पढ़ सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आप कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें सेम टू सेम नोटिफिकेशन दिया है जो आप लोगों को पहले से मालूम है। बस मैं ये जानकारी इसमें दे दिया हूँ कि जो भी वैकेंसी रुकी हुई है अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि अक्टूबर में होगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।